केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के साथ साथ नेवी को भी उतारा गया है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह करीब 4:10 बजे फिर एक बार लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के साथ मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बचाव कार्य के लिए एजीमाला से नौसेना की एक टीम पहुंचेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार नौसेना की मदद तब मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने नौसेना की नदी पार करने वाली टीम की मदद मांगी है। एजीमाला नौसेना अकेडमी के नौसेना की टीम तुरंत वायनाड के लिए रवाना हुई। केरल के मुख्य सचिव वी वेणु ने बताया कि लैंडस्लाइड करीब 2 से 3 बार हुई। लैंडस्लाइड में घायल होने वाले 16 लोगों को वायनाड के मेपाडी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद सभी संभावित बचाव कार्यों का समन्वय किया जाएगा। घटना के बारे में पता चलते ही सरकारी तंत्र बचाव अभियान में जुट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य की सभी सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। आज राज्य के मंत्री घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने वायनाड में भूस्खलन के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। हादसे की भयावहता को देखते हुए सेना से रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुरोध किया गया। इसके बाद सेना ने 4 टुकड़ियां जुटाई हैं। इनमें 122 इन्फेंट्री बटालियन की 2 टुकड़ियां और कन्नूर के डीएससी सेंटर की 2 टुकड़ियां शामिल है। बचाव अभियान के लिए अब तक तैनात सेना की कुल संख्या लगभग 225 है, जिसमें चिकित्सा कर्मी भी शामिल है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पुल एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है, टूट चुका है। सड़क जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जैसे ये भूस्खलन आया, चारों तरफ अब केवल और केवल ये पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और ऐसे में लोगों को इस तरह से एक शोर से दूसरे शोर तक पहुँचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, ताकि जो तमाम मेडिकल टीम्स है वो स्पॉट पर पहुँच कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को असिस्ट कर सके, उनका इलाज कर सके। तो ये तस्वीरें लगातार आप टाइम्स नाउ ना भारत के कैमरे पर देख रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, तमाम डिफेंस फोर्सेस जो है वो सुबह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आसपास के जो गाँव है, क्योंकि जब भी लैंडस्लाइड आता है तो उसके बाद एफ्टरमाथ कई और लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिलती है, और यही कारण है कि जल्द से जल्द लोगों को जो आसपास के जो गांव है, उन आसपास के गांव से जो है इस तरह से इवैक्यूएट किया जा रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो तस्वीरें जैसे कि आप लगातार आपको दिखा रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए टेम्पररी पुल बनाया जा रहा है, जैसे कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो टेम्पररी पुल। मैं अपने कैमरा पर्सन थॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको दिखाए कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा ये टेम्पररी पुल जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, क्योंकि आसपास के गांवों पर भी जो अब एक तरह का खतरा मंडरा रहा है। जब भी लैंडस्लाइड आता है तो उसके बाद 1-2 और लैंडस्लाइड आने का खतरा हमेशा बना रहता है। और आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है वो किस तरह से लैंडिंग की समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि समतल हेलीपैड चाहिए होता है। जब अगर हेलीकॉप्टर को जो है लैंड करना होता है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं चारों तरफ कि किस तरह की बर्बादी की ये तस्वीरें हैं, और वहां पर इस तरह से हेलीकॉप्टर का लैंड करना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन बावजूद उसके इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगातार लगी हुई है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दुखद बात यह है कि अब तक 100 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, और उन्हें जो लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश भी पूरी तरह से की जा रही है।
इलाके के सीएमओ के मुताबिक भारी बारिश के बाद वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ है। यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर MI-17 और एक ALH सुबह 7:30 बजे तमिलनाडु से सुलूर के लिए रवाना किए गए। वहीं से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए संवेदना व्यक्त की और कहा, वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं राहुल गांधी ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं वायनाड में मिपड्डी के पास हुए भारी भूस्खलन से बहुत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदना उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की है जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान चल रहा है। मैं उनसे सभी एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने, एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और राहत प्रयासों के लिए आवश्यक किसी भी सहायता के बारे में हमें सूचित करने का अनुरोध किया है। मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। मैं सभी UDF कार्यकर्ताओं से बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता करने का आग्रह करता हूं। बता दें, वायनाड चूरलमाला में बचाव अभियान में अग्निशमन एवं बचाव, नागरिक सुरक्षा, NDRF और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के 250 सदस्य शामिल हैं। NDRF की एक अतिरिक्त टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है उनमें कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम शामिल हैं। देखिए टाइम्स नाउ ना भारत की जो टीम है वो लगातार तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आप तक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी कि किस तरह से केरला में जो लैंडस्लाइड है वो कितना भयावह है। और जब लोग चैन की नींद सो रहे थे उस दौरान अचानक रात को लैंडस्लाइड ने तमाम लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर दी। ये जो मलबा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लिए भी चलना काफी मुश्किल हो रहा है और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि रेस्क्यू टीम्स के लिए ये कितना मुश्किल होगा क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण इस तरह का ये मलबा जो है वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार कर रेस्क्यू टीम्स ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी तरह से ज्यादा लोगों को जो है सुरक्षित निकाला जाए और इन एम्बुलेंसेस के जरिए जो है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस मलबे को पार करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है तो ये अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं कि रेस्क्यू टीम्स के लिए ये कितना मुश्किल होगा। इन एम्बुलेंसेस के जरिए जो है घायलों को आप देख सकते हैं इस तरह से एम्बुलेंस में बिठा कर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जो है रेस्क्यू टीम्स किस तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। उनकी प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बहुत ही दुखद लैंडस्लाइड जहां पर लोग जब देर रात को सो रहे थे उस वक्त अचानक इस लैंडस्लाइड ने न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। ये जो मलबा आप इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उसके बावजूद तमाम जो टीम्स है वो लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। भैया कितना मुश्किल हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, ये मलबा इतना ज्यादा है, कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? मुश्किल तो काफी हो रहा है लेकिन मुश्किल से हम इसको परवाह नहीं कर रहे कि हम चाहते हैं तो और बाकी दुनिया की सेव हो जाए और अच्छा से जितने लोग वहाँ पे है वहाँ से अच्छा तरीके से उनको यहाँ पर सही सलामत करा जाए वो हमारा उम्मीद है और हम लगा रहेंगे आगे तक लगते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हुआ है। और इनके लिए हम इतना ही करेंगे कोशिश। जय जवान जय किसान।
देखिए तो ये स्पिरिट है, ये हमारे इंडियन आर्मी की स्पिरिट है कि लगातार जो है लोगों को निकाल रहे हैं सुरक्षित। तमाम चुनौतियों के बावजूद वे पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। और इसमें सबसे बड़ा जो है एक वॉलंटियरी जो है वो लोकल्स का भी है जो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि एम्बुलेंसेस को जगह मिल सके, जो बेवजह लोग यहाँ पर जुट रहे हैं उन्हें जो है रोका जा सके, और पूरी तरह से रोड क्लियरेंस को लेकर जो है ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं इस लैंडस्लाइड को लेकर आसपास के लोगों ने क्या कहा सुनिए। मैं 2 बजे हुआ इधर से, 2 दिन पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था पहले उधर से रूम से बाहर जाने को, दूसरा अच्छे जगह जाने को बोल दिया। वो सब थोड़ा लोग गया है, बाद में 2 बजे ये हुआ है। उसमें उधर इधर से 2 किलोमीटर आगे हुआ, 2 किलोमीटर आगे है सब, है ना। उसमें मिट्टी के अंदर कितना लोग है सब लोगों को मालूम नहीं। जो लोग बोलता है कि 200 है 300 ऐसा बोलता है, 30-40 घर अंदर गया है सभी। अब तक कितने डेथ हो गए सर? 30-50 के अंदर मिला है अभी, और बहुत लोग है इधर से मिलिट्री सब लोग आके इधर से आके वो लाता है, आपको देखेगा इधर से यही रास्ते से 10-20 लोग के मिला है। उसमें 2 लोग में हॉस्पिटल गया है, मारा नहीं है, वो सब लोग मर गया है। वो 50 लोग इसके आसपास में इधर से 5 किलोमीटर आगे 2 साल पहले हुआ था एक बार दादा। 40 किलोमीटर है उधर से आ गया, आमना से लेके आ गया। कितने लोगों को आपने बचाया, कितने लोगों को हॉस्पिटल को लेकर गया? बचा के मैं एक लड़की को लेके गया और 3 बॉडी लेके गया था। अभी वेट कर रहे हो? मैं पहले कभी हुआ था सर वो रात में करके सोच रहे हैं, रात में कितने बजे वो मालूम नहीं पड़ रहा है। पहले कभी ऐसा इंसिडेंट इधर हुआ था सर? दो साल पहले इधर आ गया था और उधर साइड पे अभी, और 2 साल के बाद है इधर भी है। सर अभी कितने लोग का डेथ हुआ है कुछ? वो मालूम नहीं पड़ रहे अभी तक, कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। लास्ट वो देखना पड़ेगा, रेस्क्यू टीम है ना, वो लोग देखेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।